नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। ये मुकाबला की एक विशेष पेशकश है जिसमें हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात भी करेंगे और मुकाबला भी करेंगे। देखिए, मुकाबला जरूरी है क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही वही है। मुकाबला सभ्यता से होगा, शालीनता से होगा, लेकिन तेवर उतने ही तीखे होंगे जितने होने चाहिए। ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे मेहमान का, योग गुरु श्री बाबा रामदेव। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। NDTV में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और आपके सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते। भारत माता की वंदे। अभी गणतंत्र दिवस भी है ना, तो थोड़ा जोर से बोलो, जय हिंद। स्वामी जी, बहुत दिनों से आप चुप थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, फिर आज एकदम आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संवाद 2020, उसमें आपने तमाम बातें की। इतने दिन तक कहाँ थे? मैं इतने दिन तक हिंदुस्तान में ही था, पाकिस्तान नहीं गया था। और हिंदुस्तान में मेरा मूल कार्य है योग से लोगों को निरोग बनाना, रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी से, सब प्रकार के भेदभाव, जातीय भेदभाव, मजहबी भेदभाव से देश को मुक्त बनाना, कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग। अभी भी मेरे 30 तारीख से बड़े शिविर शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले हैदराबाद में, उसके बाद में हॉस्पेट में, हुबली में, फिर हॉस्पेट में, फिर होसूर में, फिर जो है जहाँ श्री अरविंदो पांडिचेरी में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। मैं तो 365 दिन काम करने वाला, और पिछले 40 सालों से मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। विदाउट हॉलीडे एवरी डे इज हॉलीडे, तो ऐसे मैं जीता हूँ। ये अलग बात है कि कभी कोई खास मुद्दा आता है तो मैं अपनी बात रख देता हूँ। और मुद्दे तो इस बीच कुछ ज्यादा ही खास हैं और बहुत सारे हैं, और उम्मीद मैं ये करूंगा कि आप उन पर सब पर जवाब दें। आपका मुकाबला भी मैंने कम से कम 10 बार किया हुआ है पहले। हाँ, हाँ। ये अलग बात है कि बीच में मैंने थोड़ा मीडिया इंटरेक्शन थोड़ा कम कर दिया था। कुछ लोग बोलने लगे थे, बोले बाबा जी आप बहुत ज्यादा मीडिया में दिखते हो। मैंने कहा कम कर देते। फिर बोला आप दिखते नहीं हो। मैंने कहा चलो दिख जाते। स्वामी जी, आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आपने तमाम चीजों की बात की, उसमें शुरुआत में ही आपने नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जिक्र किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उस पर आपका मत क्या है। सबसे पहली बात, आप क्या, आपने शुरुआत की थी कि देश में सबसे ज्यादा गौरव सम्मान देना चाहिए उद्योग को, उद्यमिता को, आर्थिक समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए। और देश कैसे आर्थिक दृष्टि से दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत ताकत बनकर के उभरे, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है न्यू इंडिया की, न्यू इकोनॉमी का, $5 trillion की इकोनॉमी भारत बने, उसके लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, सभी क्षेत्रों में भारत कैसे प्रगति के नए शिखर आरोहण चढ़े। लेकिन मैंने कहा चर्चाएं किस पर होती है, 50-80% स्पेस ले लेता है CAA, NRC, और पूरी दुनिया में भारत की छवि क्या बनती है कि लगता है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे। लेकिन मैं, स्वामी जी, ये कानून लाया कौन? मैं सरकारी लाई। मैं आंदोलनों का, एजिटेशन का, मैं किसी भी प्रकार की आजादी का सबसे बड़ा हामी हूं, पक्षधर हूं, सपोर्टर हूं। लेकिन आजादी कैसे होनी चाहिए? आजादी संविधान पर, न्याय पर आधारित होनी चाहिए। मेरी आजादी से किसी दूसरे के संवैधानिक और न्यायिक उसके हक नहीं मारे जाने चाहिए। जिन्ना वाली आजादी नहीं चाहिए मुझे, मुझे स्वामी जी भगत सिंह वाली आजादी चाहिए, मुझे महात्मा गांधी वाली आजादी चाहिए। लेकिन जिन्ना वाली आजादी, ये मेरे ख्याल से आप एक नारे का जिक्र कर रहे हैं जो चर्चा में आया, वो जांच में तो अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ऐसा ही बोला गया था। बोला गया, और वहां के जो प्रदर्शन में लोग सम्मिलित थे उन्होंने कहा कि ये गलत बोला, उनको माफी मांगनी पड़ेगी हमारे यहाँ आकर के। ये कोई काल्पनिक नहीं है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बहुत शब्द कर रहे हैं, इस देश को तबाह भी कर सकते हैं। ऐसे जो लोग बोलते हैं वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उन लोगों का मीडिया में, समाज में,
देश में बहिष्कार होना चाहिए और इस तरह की बातें देश में नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, देश की छवि खराब होती है कि हिंदुस्तान तो एक अनार्की से गुजर रहा है। मानो अभी पिछले एक डेढ़ महीने से ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, सोशल सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नहीं हो रहा। जैसे हिंदुस्तान में बस खाली एक ही काम रह रहा है कि बस लोग प्रदर्शन करने में लगे हुए। लेकिन मैंने भी किया है, प्रदर्शन भी तो डेमोक्रेसी है। मैंने भी किया है, मैंने कवर किया था। आप मेरे हम सफर रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं आंदोलनों का पक्ष लेने वाला व्यक्ति हूं और यदि कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा मैं सबसे पहले उसके साथ। तो आप मानते हैं आंदोलन करना लोगों का अधिकार है? अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है, ये उनका मानवीय तो अधिकार मतलब है। शाहीन बाग गलत नहीं है देखो, अगर वो लोग धरना दे रहे हैं। आंदोलन के मुद्दे जस्टिसफुल होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए। मैंने ये प्रश्न इसलिए वो भी तो यही कह रहे हैं स्वामी जी कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। अब ये बताओ CAA का एक लाइन बता दो जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक होता है, एक लाइन बताओ। चलो यहीं से मुकाबला शुरू करो। रिलीजन के उसमें धर्म के आधार पर एक कानून बना है, ये एक धर्म को बाहर रखा आप ये बताओ कि ये देश का जो कानून है, देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना या बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए? बिल्कुल, लेकिन ना, लेकिन धर्म का जिक्र है ना उसमें। बात ही करो, क्या हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए ये CAA बना है या बाहर के लोगों के लिए? बाहर से जो प्रताड़ित हैं उनके लिए अलग बात। देखो, लेकिन उसमें क्या एक धर्म बाहर का रखा है? कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के लिए बना है? नहीं बना। तो जब वो कानून वहां के नागरिकों के लिए नहीं बना तो वहां हमें यह अधिकार है कि हम किन लोगों को लेना चाहते हैं, किन को नहीं लेना चाहते। बात सही है स्वामी जी, लेकिन दूसरी बात कोई कहे कि जी आप वहां से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर जो प्रताड़ित होते हैं किसी भी प्रकार से, वहां के अल्पसंख्यक उनके लिए कानून बना रहे, बहुसंख्यकों के लिए क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में एक भी नागरिक बाहर का बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां पहले कोई कम है क्या? इनको हम ठीक ठाक पढ़ा लें, इनको नौकरी दे दें, कानून की जरूरत ही नहीं है। नहीं, दूसरी बात कह रहा हूं ना, अगली एक बात, बाहर के एक भी नागरिक की जरूरत नहीं अपने हिंदुस्तान में, अपने पर्याप्त हैं, इनके ऊपर नियंत्रण कर लो। दूसरी बात, वहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मजहबी तौर पर जो प्रताड़ित होते हैं वहां के अल्पसंख्यक, वो कहां जाए? एड्रेस बता दो संकेत जी, आप ही संकेत कर दीजिए, हम भी उनको बोल देंगे मैं वहां चले जाओ। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक भारत था जिसका विभाजन किया गया गलत नीतियों की वजह से हुआ, तो उसमें सब धर्म के लोग जो हैं वो परेशान हुए। तो जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं बांग्लादेश में जो कि धर्म से मुसलमान होंगे लेकिन वो भी पीड़ित हैं अपने ही देश में। तो यदि तो कानून ने धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों किया? देखो, कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। क्या महात्मा गांधी सही थे? आप क्या मानते हो? महात्मा गांधी तो हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेजोरिटी के लोग हैं उनको हम वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी के लोग यदि वहां प्रताड़ित होंगे तो हम उनको हिंदुस्तान में सम्मान के साथ उनको कारोबार भी देंगे, आजीविका का प्रबंध भी कराएंगे। माइनॉरिटी के लिए बोला। किसने बोला? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी यदि गलत थे तो कानून गलत है। दूसरा, फिर नेहरू जी ने भी बोला, फिर इंदिरा जी ने भी बोला, फिर जो है राजीव जी ने भी बोला, फिर प्रणव दादा जी ने भी बोला, फिर जो है मनमोहन सिंह ने भी बोला, मनमोहन सिंह जी ने भी बोला, और ये जो कपिल सिब्बल साहब है ये भी उस कमेटी में थे, इन्होंने भी बोला। आपका विशेष प्रेम है। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये इस कानून की जो आत्मा है वो गलत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। अभी ये अभी जिस तरह से उसका पोलिटिसाइज उसको किया जा रहा है, कौन कर रहा है स्वामी जी? जैसे कि अगर आप कपिल मिश्रा का बयान देख लें जो कि भाजपा से अब वो भाजपा के उम्मीदवार हो गए हैं, उनका कहना है कि 8 फरवरी को दिल्ली में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, केजरीवाल वहां गए नहीं। इंडिया पाकिस्तान जैसी स्थिति क्यों बना दिया जाए इसको? देखिए, जब आप खुद कह रहे हैं कि विरोध करना एक हक है, हक है, और मैं तो पाकिस्तान क्यों बोला जाए उन? अब देखो, ये अलग बात है कि कुछ हमारे यहाँ के नेता ऐसे भी बयान देते हैं जिनको पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की संसद कोड करती है अपने फेवर में। ऐसे बयान हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देने चाहिए। कुछ लोग हिंदुओं में भी हैं सिर्फ फिरे, जो आपस में घृणा और नफरत फैलाते हैं, एक 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 दूसरे की मारकाट की बातें करते हैं, वो भी गलत है। अभी हमारे कुछ मुसलमान भाइयों में भी ऐसे लोग आए, उन्होंने कहा कि हम सब्र कर रहे हैं,
नहीं तो हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, दफन कर देंगे। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों का सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए और किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि मैं डिस्ट्रैक्शन की बातें करता तो आज आपके सामने ना बैठा होता। मैं तो हमेशा कहता हूं हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज एक है, हमारा खून एक है, हमारा खानदान एक है, हमारे हमारा भगवान एक है, हम सब एक हैं फिजिकली और हम स्पिरिचुअली भी एक है। फाइव एलिमेंट सबके भीतर बराबर है, पांच तत्व सबके भीतर आत्मा बराबर है, भेद कहां है? तो मैं तो वननेस को एग्जिस्टेंस ब्रदरहुड को मानने वाला व्यक्ति हूं, कर्म को धर्म मानता हूं, कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं करता। एक बात के लिए मैं हमेशा एनडीटीवी की तारीफ करता हूं, सारे मीडिया वाले साइंटिफिक टेम्परामेंट्री की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं कि भाई लॉजिकल सोसाइटी होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट्री के साथ हमारा संविधान भी कहता है, लेकिन सारे चैनल वाले और सारे अखबार वाले वो शनि केतु राहु भूत प्रेत और 12 राशियों में पूरे हिंदुस्तान को घुमाते रहते हैं। कम से कम एनडीटीवी कोई अंधविश्वास नहीं फैलाता, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू हम तो आप देख सकते हैं इस बात को। ये अलग बात है कि आप लोगों के ऊपर कुछ दूसरे भी टैग लगते हैं, लेकिन मैं अच्छी बात छोड़िए टैग आलोचना जो है वो तो एक आभूषण है स्वामी, वो तो हमारी भी खूब होती है। बस मैं लोगों से बोलता हूं भाई मेरे से लोग कितने प्रश्न करते हैं, आप सन्यासी हो करके फैक्ट्री क्यों चलाते हो, आप पतंजलि ब्रांड क्यों चलाते हो, आप रुचि सोया का टेक ओवर क्यों कर लिया। मैंने कहा तेरी भैंस खोल के लिया आया तकलीफ क्या है तेरे को ये बता। मैं बताता हूँ स्वामी जी, मैंने यदि पतंजलि ब्रांड बनाया, रुचि सोया का भी टेक ओवर किया, तो हम करीब 2 लाख लोगों को, संकेत भाई मैं संकेत में अपनी बातें कह रहा हूँ, कहिए बिल्कुल कहिए, 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है, करीब 5 लाख से ज्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उससे भी ज्यादा है। आगे हमारा उद्देश्य है कि 5 लाख लोगों को रोजगार देना, करोड़ों किसानों को अपने साथ और जोड़ना, इस देश को कम से कम खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना, एडिबल ऑयल से लेकर के बाकी पल्सेज और दूसरी चीजों में जिसमें मैं कर सकता हूं कि मेरे देश की करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, कि कुछ खाड़ी देशों में जाता है, कुछ मलेशिया में जाता है, कुछ इंडोनेशिया में जाता है, कुछ चाइना में जाता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुकाबला इधर भी तो है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? मैं उसके लिए काम करता हूँ, सन्यासी होकर के, कुछ नहीं चाहिए, कोई शौक नहीं है। देखो खड़ाऊ पहनते हैं आप लोगों के, तो जूते 2-4 जोड़ी घर में होंगे जरूर, महंगाई के दौर में हो सकता है थोड़े कम हो गए हों, कोई लग्जरी लाइफ नहीं और कोई वाइफ नहीं कितने खुश रहते हैं। स्वामी जी आपने बिजनेस की बात की, एक आलोचना, क्योंकि आलोचना की बात हो रही है, मैंने पहले ही बोला था शालीनता से होगा लेकिन मुकाबला होगा। पूरा करो भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप पर आरोप ये हैं, बौद्धिक मुकाबला भी करो, लास्ट में कुश्ती भी करनी हो तो नहीं, कुश्ती तो मैं नहीं करूंगा। देखिये मैंने देखा है आप और चैनलों में हाथ से कुश्ती और गोदी उठाना, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार रणजीत सिंह भी आ गया था चपेट में। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी आलोचना ये है कि पूरे देश में अर्थव्यवस्था चरमरा जाने की, मंदी की स्थिति की बात हो रही है, स्वामी जी जो हैं वो अपने ब्रांड्स के हम और ऊंचे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये कैसे हो रहा है कि मंदी के बीच में आप जो तेजी हैं, तेजी कैसे ला रहे हैं? पहली बात तो ये तो बड़ा गजब का मॉडल है सरकार। पहली बात तो ये है कि देश में आर्थिक प्रगति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भैया मुकाबले में ये भी सम्मिलित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यदि मैं इस देश में आर्थिक प्रगति कर रहा हूं और विदेशी कंपनियों को जिनके सामने कोई खड़ा होकर के मुंह उठा नहीं सकता था, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की बात की, वो थॉट प्रोसेस में थी, जमीन पर यदि खादी लेकर के आए तो बाद में सब्सिडी पर चल रही है, हमने बिना किसी सब्सिडी के कोलगेट का गेट बंद करने के लिए काफी हद तक कोशिश कर दी, आधा गेट बंद कर दिया उसका, हमने जो है नेस्ले का पंछी उड़ा दिया है काफी, हमने यूनिलीवर का भी लीवर का काफी ट्रीटमेंट कर दिया है। ये बताओ हमने विदेशी ब्रांड्स के सामने देसी ब्रांड खड़ा करके अच्छा काम किया कि गलत किया? और ये देश में इंस्पिरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हम अपने देश में बड़े ब्रांड खड़े करें? बताओ बच्चों, देखो छोटे छोटे बच्चे भी करें, तो मेरी बात तो ये भी समझ रहे हैं। अगर बच्चे समझ रहे हैं तो फिर सरकार क्यों जूझ रही है? सरकार को आपके पास आना चाहिए कि स्वामी जी अपना फॉर्मूला बताइए, अभी मैं टॉनिक बताइए, टॉनिक। जो लोग कह रहे हैं कि देश में इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, देश की अर्थव्यवस्था बीमार हो गई, तो इसकी इलाज भी तो मैं करूंगा, मैं तो डॉक्टर भी तो हूं और देसी डॉक्टर। तो मैं नरेंद्र तोमर जी से भी मिल रहा हूं, मैं पीयूष गोयल जी से भी मिल रहा हूं और मोदी जी से भी मिलूंगा, और
जो भी अमित शाह जी से लेकर के जो भी सरकार में जिम्मेदार लोगों उनसे मिलकर के प्रेजेंटेशन दूंगा कि भाई अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा कैसे सुधारा जाए और इस देश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, कि आने वाले 5-10-20 सालों का एक मॉडल बनाओ कि हम अमेरिका से, जापान से, चाइना से बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकते हैं। मैं कोई अगर दो चीज आपसे पूछ दूं आज एनडीटीवी के माध्यम से, अगर आप सरकार को कुछ बताना चाहे, क्योंकि सरकार को हमसे कुछ थोड़ा विशेष प्रेम है, वो हमें बहुत बारीकी से देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और आप तो विशेष करेंगे क्यों, क्योंकि आप आए तो आप दो अगर कुछ ये बजट से पहले दो टिप दे दीजिए सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए एडिबल ऑयल में हमारा देश का बाहर जाता है और उसमें मलेशिया जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी क्रिटिसाइज करता है, 370 को भी क्रिटिसाइज करता है, CAA को भी क्रिटिसाइज करता है, उसको कोई ये गैर जिम्मेदाराना एक तरह से व्यवहार कर रहा है। कोई भी देश को भारत की अंदरूनी राजनीति कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, इसमें किसी देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। तो मलेशिया पर हमारी डिपेंडेंसी है पाम ऑयल को लेकर के, इंडोनेशिया पर डिपेंडेंसी है। आरोप तो यही है स्वामी जी कि वहां तेल बंद हुआ और आपकी कंपनी को फायदा हुआ। अच्छा, देश का फायदा होना चाहिए, इंडोनेशिया मलेशिया का फायदा होता है तो उसमें आपको या देश को कोई फायदा है क्या? तो फिर देश को फायदा होना चाहिए। अगली बात सुनो, देखो मैं मुकाबले के लिए पूरा तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार रहिए। फिर इस हिसाब से तो FDI भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको लोगों खड़ा कीजिए। मैं तो FDI का विरोधी था, हूँ और रहूंगा। मतलब FDI खराब है? मैं किसी गवर्नमेंट का एजेंट नहीं हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, 50 साल तक भारत की सेवा की और 50 साल तक और करूंगा और इस भारत को अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर अपने आंखों के सामने अपने हाथों से हम बनाएंगे और हम सब देखेंगे। चलिए तो सुनो, बात पूरी होने दो। हाँ, एक आपकी टिप ये हो गई। एक तो ये हो गया कि अपने देश में करीब अब जितना हम पाम बो रहे हैं उससे 10 गुना बो दो, किसानों की आमदनी 3 गुनी हो जाएगी। मोदी जी 2 गुनी कह रहे थे, 3 गुनी की गारंटी मैं दे रहा हूं, किसानों की आमदनी 2 से 3 गुनी होगी, मलेशिया इंडोनेशिया पर डिपेंडेंसी खत्म होगी, उसी तरह से फिर सोया उसके लिए भी जो हमें दुगनी जमीन पर और उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ानी। स्वामी जी तो लोग बोलेंगे आप अपने, अपने अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहा हूं। ये सब स्वामी जी के बिजनेस हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारा फायदा इंडोनेशिया में, मलेशिया में, अमेरिका में है कि हिंदुस्तान में, ये बताओ? हिंदुस्तान में जाहिर सी बात है, लेकिन बाहर से निवेश आने में भी हिंदुस्तान का फायदा। बाहर से तेल आ रहा है मेरे बापू, 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है, उसे किसका फायदा है? देश का पैसा बाहर जाना चाहिए क्या? 1.5 से 2 लाख करोड़ तो इसमें एडिबल में जा रहा है, करीब 5 लाख करोड़ रुपए गैस डीजल पेट्रोल में जा रहा है, बाकी और करीब 15 लाख करोड़ रुपए चीन लेके जा रहा है, बाकी और ये यूरोप वाले और जो है इटली वाले फूफा लेकर के जा रहे हैं, कुछ अमेरिका वाले जो है दादा लेकर के जा रहे हैं, ये सब जो है बाहर अपना देश बर्बाद होता रहे इसमें मजा है? फिर भी सरकार कॉर्पोरेट टैक्स गिरा रही है कि आए लोग बाहर से और निवेश करें। मैं कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर रहना, आपने टिप पूछी पूरी बताने तो दो, बताइए पूरा। ये है कि अपने देश को एडिबल ऑयल में हम सेल्फ जो है डिपेंडेंट बनाए उसको, खाड़ी देशों में जो गैस डीजल पेट्रोल का पैसा जा रहा है, अपने देश में गैस डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है, उसकी नीतियां ठीक करनी पड़ेंगी और पूरा सिस्टम प्रोसेस ठीक करना पड़ेगा। अपने देश में गैस डीजल पेट्रोल भी पूरा है, अपने देश में कोयला भी पूरा है, बाकी वो नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, उनके ठीक से दोहन की व्यवस्था होनी चाहिए, घोटाले नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है? तो अपना देश करीब मात्र ये मैंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज का ठीक से उपयोग करें, अपने एग्रीकल्चर को ठीक से संभालें। हम यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही हैं अलग अलग इंडस्ट्री के जो सामान है, मैंने हम प्रोडक्शन में 50 से 70% चाइना का कब्जा है, अपने देश में वर्किंग हैंड्स खाली पड़े हुए, लोग बेरोजगार हैं, उनको काम मिल जाएगा। अपना देश आज जितनी अर्थव्यवस्था पर हम बैठे हैं इससे 5 गुनी अर्थव्यवस्था हो सकती है मात्र 10 सालों के प्रयास से। तो ये तो मैं आपने पूछा तो ये एक तो एक सुझाव ये दे रहा हूं, ठीक है? और दूसरा सुझाव ये है कि देश में मैंने कहा सम्मान होना चाहिए व्यापार का, उद्यमिता का। लोग व्यापार करते मतलब जैसे कोई गलत काम कर रहे हो, देश में बिजनेस को रेस्पेक्ट नहीं है। मैं यदि इस देश की आर्थिक समृद्धि के लिए योगदान देता हूं तो मुझे गालियां देते, मुझे कोई क्या कह के लेकिन मैं एक बात यही हूं। तो ईडी और CBI से परेशान बाकी बिजनेसमैन भी कह रहे हैं कि हमारी इज्जत नहीं है, इसलिए तो हमारे पीछे एजेंसी लगी तो हुई। मैं क्या कह रहा हूं भैया, मैं तो मूल्यों की बात करूंगा। देश में बिजनेस को रेस्पेक्ट होना चाहिए और हमें चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि देश की प्रगति कैसे होगी,
चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्रीज है, चाहे सर्विसेज हैं, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों में देश की प्रगति, देश की उन्नति, प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ेगी, चर्चा क्या हो रही है सीएए की, चर्चा क्या हो रही है एनआरसी की, चर्चा क्या कैसे हो रही है कि हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमानों का झगड़ा क्या, ये बताओ आप, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों में सीएए से क्या झगड़ा है और उनको क्या समस्या है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताओ, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए मैं मुकाबला तो दोनों तरफ से होगा, बिल्कुल दोनों तरफ से होगा। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता दूं जो मुझे लोगों ने बताया है। मैं शाहीन बाग भी गया, वहां ये भी अपील है बहुत सारे लोगों ने कि स्वामी जी क्यों नहीं आते हैं, हमारी बात वो भी सुन लें। चलो अभी चलते हैं। पक्का आप चलेंगे शाहीन बाग? हाँ चलो, आप उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि उनके दिल की टीस ये है कि हमारे अगर मन में कुछ है तो उसको सरकार सुन नहीं रही है, उल्टे हम पर आरोप और लगाए जा रहे हैं कि हम 600 रुपए में बिकाऊ हैं, हम 700 रुपए में बिक रहे हैं। सब लोग वहां पैसे लेकर के नहीं जाते, हो सकता है कोई लेकर चला गया, अपवाद तो एक्सेप्शन सब जगह होंगे, वो मीडिया में भी है, वो धर्म में भी है, वो राजनीति में भी है, सब जगह। सबको एक डंडे से नहीं हांकना चाहिए और कभी भी किसी समूह के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा कि सीएए के बारे में एक झूठा प्रचार करके लोगों के मन में भय शंका पैदा करके कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे, कैसे छीन लेंगे? ये सिर्फ सीएए के लिए नहीं, आपने क्योंकि मुझसे सवाल पूछा, उनका ये कहना है, सीएए की बात हुई। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, हमारे प्रोड्यूसर स्वामी जी, मैं चाहूंगा आप सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों के मन में भय क्या है। तो मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो क्लिप चलाएं, जिसके बाद हम स्वामी जी का रिएक्शन लेंगे। सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है, बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। स्वामी जी ये है लोगों के दिल की टीस, क्योंकि उनको सीएए से दिक्कत नहीं है, जो सीए और एनआरसी की क्रोनोलॉजी है ना, इससे उनके मन में भय आ रहा है। ये मेरा असेसमेंट है जो मैं जमीन पर गया। अब इस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। एक तो आपने गजब बात बोली कि आप चाहते हैं कि उनसे संवाद हो। कोई दिक्कत नहीं है भैया, अपने भाई हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अभी एनआरसी का लाने का कोई इरादा नहीं, पर क्रोनोलॉजी तो हमने सुन ली। सुन तो लो ना भाई। दूसरी बात, घुसपैठी, अवैध नागरिक, ये शब्द बोला अभी अमित शाह जी ने। तो मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में किसी से पूछ लो, भाई देश में अवैध नागरिक आने चाहिए क्या? किसी से पूछ लो, अवैध नागरिक तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अब जो यहाँ आ गए, अब उनको आके उनको तरीके से नागरिकता दी जाएगी, जिनको देनी चाहिए उनको दी जाएगी। अब मैं इसमें दो बातें कहता हूं, यदि कोई अवैध नागरिक यहां है और वो अवैध गतिविधि भी कर रहा है तो भैया उसको पकड़ के जेलों में डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और यदि ये संख्या अभी तो पता नहीं कितनी है, कोई कहता करोड़ है, कोई कहता 2 करोड़ है, कोई कहता 3 करोड़ है, यदि ये बहुत ज्यादा आबादी होती है तो उसमें सरकार को कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी, एक भी आदमी पाकिस्तान लेगा क्या, बांग्लादेश, अफगानिस्तान लेगा क्या, वो तो लेगा नहीं। शरणार्थी कैंप में आप यदि बहुत ज्यादा लाखों या करोड़ों में लोग हो गए तो शरणार्थी कैंप में रख नहीं सकते, उनको रोटी कौन खिलाएगा? तो ये ऐसा ये भय है भैया, करोड़ों लोगों को जो ये रिटेंशन कैंप बोलते हैं या जो है शरणार्थी शिविर बोलते हैं, इनको करोड़ों लोगों को रखोगे कहां? पहले तो इतनी जमीन कहां से लाओगे कि आप करोड़ों लोगों को बसाने के लिए, या तो दिल्ली या हरियाणा, जैसे मान लीजिए 2 करोड़ भी कोई बताता है तो हरियाणा और दिल्ली जितनी जगह कहां हिंदुस्तान में खाली, पहले तो वो जगह बता दो। फिर उनको वहां डिटेंशन कैंप में रख दिया यदि, तो उनको रोटी कौन खिलाएगा? ये खाली कल्पनाएं हैं, भय है। हिंदुस्तान में जो लोग आ चुके हैं उनको नियम कायदे कानून में रखने की जरूरत है, और कोई गलत काम करे उसको जेल में ठोकने की जरूरत है, आगे से ना आए इसके लिए कानून बनाने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन अगर उसका राजनीति में इस्तेमाल हो कि लोग
प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को पाकिस्तान बोल दें, इसको भी ना होने की जरूरत है। देखिए, हर प्रोटेस्ट को पाकिस्तानी कहना तो गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले भी हिंसक ना हो, बिल्कुल, और प्रोटेस्ट करने वाले जिन्ना वाली आजादी ना मांगे, बिल्कुल, और प्रोटेस्ट करने वाले भारत की बर्बादी के नारे ना लगाएं कि यहां हिंदुस्तान को ही दफन कर देंगे, ये चीज है ना। मैं स्वामी जी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन आप ही जैसे योगी, एक और योगी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका यह कहना है कि अगर आजादी के नारे लगाए तो देशद्रोह। नहीं, आजादी के नारे लगाना तो देशद्रोह नहीं है, लेकिन मानते हैं आप? हाँ, लेकिन जिन्ना वाली आजादी के नारे देशद्रोह। लेकिन ये कहां साबित हुआ है? मैं वही तो बात कर रहा हूं आपसे कि आजादी, अरे भाई आजादी तो फ्रीडम, तो ये हमारे संविधान की मूल आत्मा है, बिल्कुल, और मैं तो फ्रीडम वाला आदमी हूं। अब मैं फ्रीडम में रहता हूं, इसलिए तो मैंने ब्याह नहीं कराया, कोई जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहे तो मैं कहूंगा भाई मैं आजाद हूं, मैं ब्याह कराऊं, मैं सन्यासी बनूं। अब ये लड़के कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता मुझे पायलट बनना, हो सकता है कोई मेरी तरह से सन्यासी भी बनने के लिए आ जाए। तो आजादी है, आजादी से सबको जीने का हक है। कोई कोई जो है मेरी तरह से कपड़े पहनता है, कोई जो है घुटने तक कपड़े पहनता है, कोई कच्छाई पहन करके रहता है, क्या दिक्कत है, पहनने दो जिसको, तो और ठंड में भी कोई नंगा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप सब तरह की आजादी होनी चाहिए, लेकिन उस आजादी से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आजादी से दूसरों की आजादी बाधित नहीं होनी चाहिए, और वो आजादी न्यायपूर्ण और संवैधानिक होनी चाहिए, इनजस्टिसफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होनी, बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी, अगर आप ही के जैसे एक योगी ये बोले कि बदला लेंगे, आजादी का नारा लगाने वाले जो हैं उनकी सात पुश्तें भी याद रखेंगे, ऐसा बदला लेंगे, आप कहां तक मानते हैं? आपको नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से, मुझे लगता है आपको ये जो प्रश्न है ये बीजेपी वाले प्रवक्ताओं से या योगी जी से पूछनी चाहिए। आप भी तो योगी हैं। मैं योगी हूं और आप बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। मैं योगी हूं और कर्मयोगी हूं और राष्ट्र के लिए उपयोगी हूं, असरकारी होकर के मैं बहुत असरकारी हूं। स्वामी जी एक काम करते हैं, मुकाबला में बहुत सारे सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं है, जनता के भी हैं, इन लोगों के भी हैं, और बहुत सारे लोगों को आपके आने, आप आने वाले थे, मैंने ट्विटर और फेसबुक पे डाल दिया, तो तमाम सवाल वहां से भी आए। अरे यहाँ एक्स्ट्रा कुर्सियां भी लगाई। तो मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूँ। सवाल नंबर एक हमारे स्क्रीन पर हम दिखाते हैं ताकि स्वामी जी उसका जवाब दे सके। अच्छा, ये सोशल मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले एक सवाल सोशल मीडिया का, ये बड़ा जबरदस्त हो चुका, बहुत जबरदस्त, मेनस्ट्रीम मीडिया से ज्यादा ताकत, बिल्कुल, मेरे सवाल की धार वहीं से आई है। जरूर शुरू करते हैं। तो जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं सोशल मीडिया पर। हमारे पास जो पहला सवाल है, मेरे ख्याल सोशो पंडित एक ट्विटर का हैशटैग है, जिन्होंने लिखा है, काले धन पर बाबा के स्वर सार दल साल मध्यम क्यों होते जा रहे हैं? तीखा सवाल है। हाँ, नहीं, शालीनता से होना ही चाहिए। हाँ। दो तरह की समस्याएं इस देश में, काला धन भी बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए मैंने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा, और काला मन भी बहुत समस्या है। तो मोदी जी ने कहा कि काले धन के ऊपर मैं काम करूंगा, स्वामी जी आप काले मन पर काम करते रहो। तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमने कहा इतने बड़े आदमी है ये बोल रहे हैं कि काले धन पर मैं काम करूंगा, वो तो वजीर आजम है। तो मैंने कहा वजीर साहब ने काम ले लिया तो फकीर तू काले मन को ठीक कर, बिल्कुल। तो ये काम मैंने ज्यादा अपने जुम्मे ले लिया। हाँ। वैसे काला धन भी इस देश का बड़ा मुद्दा था, है और रहेगा। मैंने कभी भी उस पर चुप्पी नहीं साधी है। जब भी कोई बात आई है मैंने बोला है कि भाई देश के अंदर के काला धन हो, बाहर का काला धन हो, इसके ऊपर ये प्रोसेस है काम करने के, ये होना चाहिए। और स्वामी रामदेव कभी भी मुद्दों के ऊपर मौन नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, मौन भी एक तरह का योग है। मनमोहन सिंह जी तो बहुत किया करते थे उसको, तो हमको भी कभी कभी करना पड़ता है। दूसरा सवाल है नजार अब्बास का, ये कहते हैं काला धन कब आएगा, डॉलर 40 का कब होगा, क्योंकि आप ही के बयान थे 2012 में, याद कीजिए, अभी भी कायम हूं। और क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, क्योंकि वो तीखापन नहीं है आपके तेवर में जो 2012-13 में रामलीला मैदान में देखा या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। अब ऐसे लगता है जैसे कि आपने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्या योगी रामदेव ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है काले धन के मुद्दे पर? अच्छा बताओ, आप में से कितने विवाहित लोग हैं यहाँ पर? एक दो तीन ही है, बाकी स्टूडेंट है। अच्छा बताओ बच्चों, आप लोग अपनी लाइफ में आपस में फ्रेंड्स में खाने पीने को लेकर के, हॉबीज को लेकर के, स्टडी को लेकर के, बहुत सी चीजों को लेकर के, या घर में आप अपने माता पिता को देखते हो, कुछ चीजों में घर में परिवार में कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है।
छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, समझदार बच्चे बुला रखे आज आपने, है? मैं इनके लिए एक बार ताली बजा देता हूँ। देखो तो इस देश में भी कभी कभी कुछ मुद्दों पर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बाकी स्वामी रामदेव किसी का दलाल नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है और किसी के भीख के टुकड़ों पर जिंदा नहीं है। अपने जमीर से जीता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, इस देश की सेवा करता हूं। हां इतनी बात जरूर है कि मैंने इस सरकार के साथ में कोई बड़ा पंगा नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि पिछली वाली से तो एनडीटीवी भतेरा और बहुत लोग हैं। आप हमें इस लायक समझते हैं ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्वामी रामदेव जो तीखापन और जो पंगा आप 2012-13 में लेते थे, कि उस तरह से मैंने पंगा नहीं ले रहा, क्योंकि आपका काम तो अभी भी नहीं हुआ, जो आप उस समय मैंने, मांग कर रहे मैं थे। बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, देश में से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, अब बताओ, और इसको खत्म करने के लिए और भी प्रयास करने पड़ेंगे। तो यानी कि जरूरत पड़ी, खत्म करना चाहते हैं, यानी कि जरूरत पड़ी तो आप दोबारा आंदोलन करेंगे भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के खिलाफ। भाई साहब अभी मैं जिंदा हूं और ये मेरे समर्थक और मेरे विरोधी इस बात से दोनों परेशान कि ये स्वामी रामदेव कब जो है डंडा लेकर के खड़ा हो जाए, झंडा लेकर के खड़ा हो जाए, इसलिए मेरे समर्थक और मेरे विरोधी दोनों ही परेशान रहते हैं। तो इसलिए मैं जो भाई साहब ने बात कही है उससे सहमत हूं कि इस देश में अभी भी कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन एक मुद्दा है और इस दिशा में अभी देश को बहुत काम करने की जरूरत है। पूरी तरह से कोई भी आदमी बोलता है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो झूठ बोल रहा है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अब यहां ऑडियंस से ले लेते हैं उसके बाद, क्योंकि सवाल बहुत हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, लंबा कार्यक्रम है। ये माइक इधर दे दें, पीली शर्ट में जो है पीछे, पीछे आपके पीछे, छोटा सवाल जी, पास में रखो माइक। जब अपने देश में इतनी समस्याएं हैं, जॉब कम है, जीडीपी गिरी हुई है और तो माइक अपने मुंह के पास रख के बोलो, इस कानून को लाने का ये सही समय था? बेटा देखो ये बात तो सच है कि अपने देश में जॉब कम है, पहले अपनी जनसंख्या बहुत है, लेकिन समस्या एक ये भी दूसरी है कि जो अपने ये तीनों देश एक थे बेटा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अपने ही कुछ लोगों ने कहा कि हम यहाँ रह लेंगे, भाई विभाजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम हमारी जमीन है, जायदाद है, घर है, मकान है, हम रह लेंगे। लेकिन उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है किसी का, उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, रहने नहीं दिया जाता। तो वो अपने भाई जो विभाजन के समय, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के समय तो अफगानिस्तान भी अपना ही था, जो अपने ही वतन के लोग, अपने ही भाई जो किसी कारण जो है उन्होंने अच्छा सोच के वहां रह गए और अब उनको प्रताड़ित किया जाता तो जाएं कहां? इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है कहीं जाने का। ये विकल्प महात्मा गांधी जी ने भी दिया, वो विकल्प जो है यूपीए ने भी दिया, वो विकल्प जो है एनडीए भी दे रही है। तो ये एक बात है और ये भी लिमिटेड है बेटा, ऐसे नहीं कि कोई भी आकर के रह जाएगा, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, ऐसे किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा। मैं और ऑडियंस के सवाल अभी थोड़ी देर से लेता हूं, दो सोशल मीडिया पर भी बराबर जोर रखना चाहिए। सवाल नंबर तीसरा जो कि सोशल मीडिया पर है, क्या बाबा रामदेव शाहीन बाग के प्रदर्शन में आएंगे महिलाओं को समर्थन देने के लिए? और चौथा सवाल है और ये महत्वपूर्ण है स्वामी जी, क्या बाबा रामदेव के पास देश में शांति के लिए कोई मंत्र है? इन दोनों सवालों का जवाब एक एक कर देखिए। मैं पहली बात तो हिंदू और मुसलमान को इस देश में लड़ता हुआ नहीं देखना चाहता और मैं मानता हूँ कि हम एक हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान के खिलाफ यदि किसी भी तरह से कोई जाति होती है, जुल्म होता है, अन्याय होता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। दूसरी बात, आपने शाहीन बाग की बात की तो मैं शाहीन बाग में भी जो है ऐसा करते हैं, कल ही प्रोग्राम बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, और अपन चलते हैं। तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे तो क्योंकि उनकी तकलीफ ही यही है कि तो कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा। अभी मैं जो है सुबह से मेरे से प्रश्न पूछा जा रहा है तो मैंने अभी तय कर लिया है कि मैं अभी जो है पुलिस देखो मैं कानून को तो मानता हूँ, पुलिस प्रशासन को बताऊंगा कि भाई मैं उनके पास में जाना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। तो कल शाहीन बाग स्वामी रामदेव जाएंगे, स्वामी रामदेव कल शाहीन बाग जाएंगे। मेरे ख्याल से जो दर्शक हैं, जो यहाँ पर भी लोग हैं, वो इस बात से काफी प्रफुल्लित हुए हैं कि कम से कम एक पहल की जा रही है लोगों से संवाद करने। क्यों जाना चाहिए? अपने तो लोग हैं भाई, कोई विदेशी है, कोई वो कोई आतंकवादी है, अपने लोग हैं, जाएंगे बात करेंगे, क्या दिक्कत है?
और सुन करके उनकी उम्मीद ये होगी कि आप वो हम बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को और सबको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ये भी तो अपने लोग है, ये कोई गैरों की सरकार थोड़ी है, अपने देश के लोगों ने चुनी है। आपको लगता है एक आम सरकार कर देती तो योगी आपने बोला आप चलोगे तो मैं जा रहा हूँ, अभी आप या बाकी उनका उनसे पूछो जिनसे पूछना है, आप बताओ। देश में युवा बेरोजगार जो है जो आत्महत्या पर डे कर रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, इस पे आप सरकार को कोई सुझाव देंगे? पहले तो लोगों को ही सुझाव दूंगा, आत्महत्या मत करो, मरना कोई समाधान नहीं है, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जिंदा दिली इसका नाम है कि हम संघर्षों में जिए। अरे कोई प्रश्न आया है, कोई चुनौती आई है, कोई समस्या आई है, क्या मैंने समस्याएं नहीं झेली है? मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में साधारण परिवार में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके गुरुकुल में पढ़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने भी बहुत तरह के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया है, क्या दिक्कत है? तो आदमी को सुसाइड नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात हौसला रख करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी न किसी दिन समाधान हो जाएगा, बाधाएं तो भगवान राम कृष्ण सबके जीवन में आई थी। मैं चाहता हूँ कुछ लड़कियां सवाल पूछें, महिलाएं भी सवाल पूछें। बहन उधर दो भाई, माइक दे दो, हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते मेल फीमेल में, सबको बराबरी से पूछने का जीने का बात करने का हक है। जब जेएनयू में दीपिका जी गई थी तो आपने स्टेटमेंट दी थी कि उनको एक सोशल मीडिया एडवाइजर की जरूरत है। हाँ, सोशल मीडिया नहीं, एक उनको एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक मुद्दों को जिसकी समझ हो ऐसे एडवाइजर की जरूरत है। तो आपको लगता है आपका शाहीन बाग का जो स्टेप आप कल ले रहे हैं उसके लिए आपको किसी की इन चीजों की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मेरे को क्यों, मैं अपने निर्णय किसी बिना भेदभाव पक्षपात के ले रहा हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। दीपिका जी वहां पर जाकर के खड़ी हो गई, उन्होंने उस चीज का मूल्यांकन नहीं किया कि तुम जाकर के खड़ी हो रही हो किसके साथ खड़ी हो रही हो। तो मैं किसी के समर्थन विरोध में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बात करने के लिए जा रहा हूँ, बात कर कोई भी कर सकता है किसी से भी। तो उन्होंने तो बात भी नहीं की, वो तो सिर्फ खड़ी थी जेएनयू में जाके, तो बात है। तो आप कल आप किसी के पक्ष में नहीं, मैं पक्ष में नहीं जा रहा हूँ किसी के, न विपक्ष में जा रहा हूँ, तो आप भी तो खड़े होने जा रहे हैं, ना किसी का बिचौलिया हूँ, ना किसी का बिचौलिया हूँ। अब अंतर समझ में आ गया ना, पक्ष विपक्ष बिचौलिया, इनमें बड़ा अंतर होता है, निष्पक्ष रहना चाहिए जी। कोई और सवाल जी? स्वामी जी, जैसे आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिस तरह से, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं सुझाव देते, दिल्ली सरकार की एग्जांपल है, दिल्ली सरकार जैसे केजरीवाल सरकार काम कर रही है जी दिल्ली के अंदर, उस तरह का सुझाव क्यों नहीं देते आप मोदी सरकार को? भाई जो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं वो भी तो इनको दिख रहा है कोई, ये सरकार जो है सब चीज़ों को देखती है, देश दुनिया देखती है, तो उनको भी दिख रहा है, तो उनको केजरीवाल जी से क्या सीखना चाहिए और केजरीवाल को उनसे क्या सीखना चाहिए? आपस में केजरीवाल जी और मोदी जी एक दूसरे को देख रहे हैं और अब तो फेस भी दो ही लगे हुए पूरी दिल्ली में तो वो उनके चेहरे भी वो आपस में देख रहे हैं और एक दूसरे का चरित्र भी देख रहे हैं और दिल्ली भी देख रहे हैं। अच्छा, इससे एक शैतानी भरा सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि इन दोनों के तो राजनीतिक चेहरे लगे हुए हैं दिल्ली में, स्वामी रामदेव का चेहरा कब लगेगा कि आए और वोट करें? मतलब आप चुनाव कभी लड़ेंगे, राजनीति में आएंगे? इस मुकाबले में मेरे को फंसाना चाहता हूं, मैं अच्छा बना देश की सेवा कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं राजनीति देश की सेवा, दंगल उनके लिए मंगलकारी हो जी। अच्छा बाबा जी, मेरा सवाल ये साइंस है कि हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन हमने देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, लेकिन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आज तक सिर्फ एक राजीव गांधी के टाइम पे थोड़ा सा कंप्यूटर को लेकर हुआ था, लेकिन उसके बाद से साइंस को लेकर के कोई उतना ज़्यादा जागरूकता फैलाता नहीं या उतना कोई रिवॉल्यूशन हुआ नहीं हमारे देश में। तो आप चूँकि खाद्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं स्वदेशी को लेकर के, तो हमारे देश में साइंटिफिक जो स्वदेशी है वो कब आएगी? देखो अब पहली बात बेटा, मैं एक सन्यासी हूँ, लेकिन आप एक वाक्य बता दो मेरी जिंदगी का कि मैंने कभी भी ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास अवैज्ञानिक बात की हो? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, और 500 साइंटिस्ट मैंने खुद रखे हुए हैं, हमने योग आयुर्वेद पर रिसर्च करने का वो सेंटर बनाया जो पूरी दुनिया में कोई किसी ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाया, करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है कि हां, तो इसलिए अपनी सरकारों को इजराइल की तरह, जापान की तरह, कोरिया की तरह रिसर्च के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे देश में दुर्भाग्य से रिसर्च में जो पैसा इन्वेस्ट होता है
वो एक तरह से नैपथ, एक तरह से उसको हम गौरव ही नहीं देते, रेस्पेक्ट ही नहीं देते। तो हमें इसमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है। थोड़े पैसे में भी हमारे लोग, चाहे वो इसरो में है, चाहे डीआरडीओ में है, अलग अलग जगह जो भी लोग हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं। ये एक दो सब्जेक्ट हैं, सभी क्षेत्रों में रिसर्च की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, मीडिया से लेकर के, हर जगह, हेल्थ में, एजुकेशन में, सब जगह रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। और उस दिशा में देश को आगे बढ़ना चाहिए। और वही देश आगे बढ़ा है पूरी दुनिया में, और महाशक्ति बना है, सुपर पावर बना है, जो साइंटिफिक रिसर्च में आगे है। चलिए, तो अब कुछ ट्विटर, एक सेकंड, मैं अभी जनता के सवाल पर आऊंगा, ट्विटर के कुछ और सवाल हैं। सुमित जयहिंद लिखते हैं, दिल्ली में चुनाव नजदीक है, आपने अरविंद केजरीवाल और भाजपा दोनों का काम देखा है, क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल मोदी को पीछे रखने में कामयाब होंगे? भैया, इस दंगल से हम बचना चाहते हैं अभी। चलिए ठीक है, मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। अजीत मिश्रा हैं, उनका अगला सवाल है, कितनी आसानी से पतंजलि ने रुचि ऑयल को खरीद लिया और कुछ दिन बाद सरकार ने मलेशिया से पाम ऑयल मंगाना, इस सिलसिले में कुछ खबरें भी आई हैं, रिपोर्ट्स भी आई हैं, पाम ऑयल मंगाना बंद कर दिया, क्या वो मानते हैं कि इस मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है? देखो, यदि मलेशिया का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है और आप वहाँ से जो रिफाइंड ऑयल आ रहा है उसको बैन करते हैं, दूसरी बात, अपने देश के 10 सालों से हमारे देश के अंदर करीब करीब 100 लाख टन, फिर से बोल रहा हूँ, 100 लाख टन पाम ऑयल की रिफाइन करने की कैपेसिटी खाली पड़ी हुई थी, एसेट्स बर्बाद हो रहे थे, करीब 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। ये कदम तो 10 साल पहले उठा लेना चाहिए था। अपने देश को हर, अरे ट्रंप जैसा राष्ट्रपति, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर अमेरिका, वो कहता है कि मुझे अपने उद्योगों को प्रोत्साहन देना, तो इस, ये कोई पतंजलि का या रुचि सोया का मैटर नहीं, मैं वापस कह रहा हूं, देश का मैटर। अब हमारे यहां पर लोग क्या होते हैं कि कोई भी पॉलिसी बनाओ, बोले इससे, अरे देश का क्या फायदा होगा, ये सोचा इसमें पैसा कितना मिलता है साहब, ये तो अठन्नी चवन्नी वाला मामला है, लेकिन अठन्नी चवन्नी भी देश के लोगों को मिलती है और उससे देश में रोजगार बढ़ते हैं, देश के असर्ट्स प्रयोग में आते हैं, उससे इसमें किसी हिंदुस्तानी को क्या दिक्कत है? मलेशिया वालों को दिक्कत हो सकती है, एक बात समझ में आती है, हिंदुस्तानियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें मुद्दों की सही समझ होनी चाहिए। इस देश में इकोनॉमिकली काफी ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, हम लोगों को, जैसे सिविक एजुकेशन में हम लोग बहुत पुअर है, ऐसी इकोनॉमिक एजुकेशन, आर्थिक जो प्रबोध है हमारे देश का, बहुत कम है। ठीक, मेरे जैसे धर्मशास्त्र जानने वाले व्यक्ति को, योग शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र जानने वाले व्यक्ति को भी अर्थशास्त्र के बारे में इसलिए बात करनी पड़ती है, यहाँ पर आर्थिक जागरूकता, देश की इकोनॉमी कैसे चलती है इसके बारे में, बाकी तो बात छोड़ो, जब भी विधानसभा और लोकसभा में जब बजट वाली बात होती है तो बहुत से लोग सोते रहते हैं। तो अपने देश में आर्थिक जागरूकता की जरूरत है, कैसे देश आगे बढ़ेगा इसके बारे में सोचें, इसमें कोई घोटाला, हर चीज के अंदर हम घोटाला देखने लगते हैं, एक पैसे का घोटाला बताओ, बताइए क्या घोटाला है भाई इसमें? भाई देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, देश का, मैंने कहा, और पाम भी पूरा यहां पैदा होने लग जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए बचेगा, इसमें कौन सा घोटाला है, ये तो देश की समृद्धि की बात है, ऐसी समझना चाहिए, मुद्दों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, 7वां सवाल और 8वां सवाल स्क्रीन पर ले लेते हैं, आखिरी के 6 मिनट बचे हैं, आपसे कुछ सवाल ले लेंगे, और क्योंकि योग गुरु हमारे साथ हैं तो उनकी लास्ट में कुछ टिप्स भी जान लेंगे आप सबके लिए, तो हाँ, हेल्थ को लेकर के 7वां सवाल है, आनंद शाह पूछते हैं, क्या विरोध की आवाज देशद्रोह है? विरोध की आवाज का तो ही देशद्रोह नहीं है, और वो आवाज विरोध की या जो आंदोलन की, वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए, अहिंसक होनी चाहिए, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, वापस कह रहा हूं। ठीक जी, 8वां सवाल, यूपी में फूड पार्क पर सब्सिडी क्यों ले रहे हैं जबकि आपकी कंपनी फायदे कमा रही है? ये तो उनसे पूछो कि वो देते क्यों। और मैं आपसे पूछ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेसमैन को एक मौका दिख रहा होगा सब्सिडी लेने का तो वो लेगा। सब्सिडी की बात नहीं मेरे भाई, ये टाटा, ये बिरला और बड़े बड़े जो नाम है हिंदुस्तान के अंदर, जो आईटी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी बेंगलोर की, एक भी कंपनी बता दो जो फूड में इन्वेस्ट करती हो, ये तो सबसे लो प्रॉफिट का काम है, 2-3% के प्रॉफिट का काम है, ये कमाई का काम नहीं, भलाई का काम है ये।
तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कर रहे हैं उनको, फार्मर्स को, इनको तो और ज्यादा में उभारने की जरूरत है। बात सब्सिडी की बात नहीं, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के उद्योगिता को, उद्यमिता को हमें यह गौरव देना पड़ेगा जैसे कोरिया में गौरव दिया। तो कोरिया की कंपनियां पूरी दुनिया में छा गई, 2-3 कंपनियां, जो गौरव जो है अमेरिका के जो वहां पर जो लोग उद्यमिता में काम कर रहे हैं वहां के लोग हैं, वहां का राष्ट्रपति उनको पीछे खड़ा होकर के बैक करता है। और यहां हमको गालियां मिलती है, फिर भी हम गालियां खाएंगे और हिंदुस्तान के लिए सेवा करेंगे क्योंकि हमारी मातृभूमि है, यहीं पैदा हुए थे, यहीं मरेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। यही चीज देश के मुसलमान भी कह रहे हैं कि यहीं के हैं, यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। और उन मुसलमानों को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, किसी की हिमाकत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, कोई राजनीतिक दल हो या नेता हो, कैसे निकाल देगा कोई किसी को बाहर? उनका डर ये है, मैं डॉक्यूमेंट्स कहां से लाऊंगा, हमें तो यही नहीं मालूम हम पैदा कब हुए। ये तो मेरे को मालूम नहीं। सही में? हाँ। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आपके? भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं भारतीय हूँ। हाँ। और मेरे माँ बाप दादा दादी यहाँ रहते, तो ऐसे जो है हिंदुस्तान में, अरे भाई, अरे हम गांव में पैदा हुए, हमारे तो 7 पीढ़ियों के, हमारे बापू की जन्मपत्री नहीं, हमारे दादा की जन्मपत्री नहीं, कौन जन्मपत्री बनाता था पहले? ये फालतू की बातें। जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान का जो मुसलमान और हिंदू है उसको कोई नहीं निकाल सकता। कोई फालतू में डर की बातें करे तो अलग बात है। मैं तो कल शाहीन बाग में जाऊंगा तब यही बताऊंगा भाई। और कोई जो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं उनको डर लगता है, मैंने कहा तो भाई चलो तुमको डर लगता है, कोई ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो मेरे पास में प्रोटेक्शन के लिए भी व्यवस्था है। तो जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं पतंजलि में आ जाओ घर परिवार के साथ। सेलिब्रिटीज नसरुद्दीन मैं उसी के बारे में बात कर रहे, तो अजीब सी लड़ाई हो गई है, बताइए अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह की। नसरुद्दीन शाह साहब को सपरिवार पतंजलि में पूरी निर्भयता के साथ भयमुक्त रखने के लिए मैं तैयार हूँ। वो अपनी फिल्म शूटिंग पर जाएं और अपना पतंजलि में आकर के वापस आएं। चलिए एक आधा सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद जी आप बताइए। सबसे पीछे माइक उधर दो भाई, स्टूडेंट से बड़े जज्बे वाले हैं। प्रणाम बाबा जी। नमस्ते। आपने फैसला ले ही लिया है कल शाहीन बाग जाने का, परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि शाहीन बाग वालों को क्या रोड पे धरना देने की जगह मिली? आप भी तो रामलीला मैदान पे धरना दे चुके हैं पहले, तो वहां जाके भी धरना दे सकते थे। परंतु लोगों का टाइम, रोज आने जाने में ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंसेस जितनी होती हैं, आम आदमी को जितनी दिक्कतें पड़ती हैं, तो ऐसी आजादी जो बात कर रहे हैं तो आप उससे सहमति रखते हैं? आपने तो फैसला भी ले लिया है। मैं तो नहीं बोला, मैं उनसे वहां धरना देने का मैं सहमति दे रहा हूं, मैं तो बोला ही नहीं। अरे ऐसा देखो भाई, शाहीन बाग में जगह नहीं है, बाकी तो जगह है, गवर्नमेंट ने जगह तय करी कि वहां करके धरना दोनों, कौन मना कर रहा है? तो देखो मैं किसी का पहले ही बोल दिया, मैं शाहीन बाग के लोगों का समर्थन करने नहीं जा रहा हूं, ना विरोध करने जा रहा हूं। मेरे से बार बार कहा गया कि आप जाकर के उनसे बात कीजिए, तो बात करना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और उनको मैं वापस कहूंगा कि प्रदर्शन करने के लिए अलग जगह होती है, वहां प्रदर्शन करो, रोडों पर प्रदर्शन करना असंवैधानिक है। ठीक, आज का और वो भी चीजों को ठप कर देना, ये असंवैधानिक। हमारी आजादी से दूसरे की आजादी बाधित नहीं होनी चाहिए। जी स्वामी जी नमस्कार, मेरा एक आपसे सवाल है। हमने डेमोक्रेसी की बात की, हमने बात की कि विद्रोह करना जरूरी है। कश्मीर में आज तक सही तरीके से इंटरनेट नहीं है। मेरी एक दोस्त है, मित्र है, उन्होंने बोला कि वो 150 दिन या 140 दिन तक अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाई। तो क्या ये सही तरीके की डेमोक्रेसी है कि इंटरनेट ही हटा दिया, फोन कनेक्शन हटा दिया? मेरे हिसाब से ये डेमोक्रेसी नहीं है। देखो बेटा, मैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे को थोड़ा अलग तरह से देखता हूँ। आपको ये पता है कि जम्मू कश्मीर में अब तक कितने लोगों के शहादत हो चुकी है? आप आपस में ही एक दूसरे को मार रहे थे, हजारों लोगों की, कोई 40,000 बोलता है, कोई 50,000 बोलता है। और कितने, मैं आपसे दूसरा क्रॉस क्वेश्चन एक और करता हूँ, वहाँ जिस तरह से बेटा कश्मीरी पंडितों को, तुम तो मोबाइल की बात कर रहे हो बेटा, फोन पे बातचीत करने की बात कर रहे हो, हजारों कश्मीरी पंडितों को मार करके, पीट करके, उनकी ज़मीनें छीन करके, उनके घर छीन करके, उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देगा, ये क्या डेमोक्रेसी थी? वो भी नहीं थी। जी, बाबा जी। मैं बात कर रहा हूँ बेटा, एक सेकंड, क्रॉस क्वेश्चन, पहली चीज भी गलत थी उनको करना। और अब सरकार ने भी कहा है कि एक देखो, रोज पत्थरबाजी, रोज वहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, ये रोज का वाकया था। अभी भी पूरी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये चीजें 100% बहाल होनी चाहिए। कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यदि सरकार ने कुछ समय के लिए निर्णय लिया है
तो कुछ समय की तकलीफें हम झेल सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब और सवाल मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त बचाना है आपकी इन बच्चों के लिए और देशवासियों के लिए। हेल्थ टिप। हाँ, ये वेल्थ ही वेल्थ की बात करते हैं या और तमाम आंदोलनों की बात करते हैं तो योग का आंदोलन छूट जाएगा। आइए हो जाए। हाँ चलो भाई, आप भी करेंगे? मैं तो पीछे खड़े होकर देखूंगा। देखिए हाँ। मेरे पास तो तार लगा हुआ है, तो मैं भी मैं बंधा हुआ हूँ स्वामी जी, बंधा हुआ हूँ मैं भी योग से, मर्यादा से, देश से। तो चलो देखो भाई, पांच चीजें तो जरूर करना तुम लोग। हाँ, तो एक तो फाइव ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उनको जरूर करना चाहिए। वो मैं सबसे पहले बता देता हूं। तो उनमें सबसे पहले है ऐसे लंबे सांस लेना। बच्चों स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी और बॉडी पर कंट्रोल रहेगा, माइंड पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा। ब्रीदिंग करने से एक एक सेल हमारा एनर्जाइज रहता है। तो एक तो ये, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आजकल लो इम्यूनिटी एक बड़ी समस्या है। आप लोग तो दो दो तीन तीन कपड़े पहन के बैठे हुए, वैसे यहाँ तो वातावरण फिर भी अच्छा है। तो योग करने से ठंड भी कम लगती है, बीमारी तो कोई लगती नहीं है। तो एक तो ये करना, एक से दो मिनट कम से कम। जिनमें ताकत पूरी है, जवान है, कोई बीमारी नहीं, बीपी और हार्ट आदि की प्रॉब्लम नहीं है, कमर दर्द नहीं है, तो ऐसे जोर से भी कर सकते हैं। अभी पूरी गर्मी गर्मी हो गई। तो यह भस्त्रिका, बॉडी फुल बॉडी चार्ज हो जाएगी। क्या नाम है इसका बोलो? और ये क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? कपाल भाती। ठीक बोला, तुमको नाम भी नहीं आता, इतनी चीज नहीं सीखते, फालतू की बातें सीखते रहते। हाँ, इसका नाम है कपाल भाती। क्या नाम है? इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लॉन्ग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनका एक्सरसाइज हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। रोज पांच मिनट कम से कम करना। ठीक, प्रॉमिस? तुम्हारे फायदे की बात है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम वेल्थ भी पालोगे, नहीं तो विदाउट हेल्थ कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में।